गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप सब मस्त होंगे और अपन भी मस्ती है। मतलब मस्त, थोड़ा सा बिगड़ गई है हेल्थ और मतलब बिगड़ गई है भाई, कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ी। मतलब बारिश की वजह से बुरा हाल हो गया जम्मू कश्मीर में, पता नहीं अचानक से भयंकर वाली ठंड पड़ चुकी है। हमने भी देखो मतलब गर्म कपड़े पहन ही चुके हैं और हुडी वगैरह पहन रखी है क्योंकि ठंड बढ़ी है। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा था मतलब सुबह सुबह उठ के ही। तो गाइस टाइम तो अभी कुछ 8 ही बजे, मतलब अभी अभी उठा और जस्ट चाय पी रहा हूँ। तो मैं आपको वाकई मौसम दिखाता हूँ क्या क्या हुआ है इस बारिश में और अभी का क्या हाल है। तो गाइस यह है कुछ सामने का व्यू, ऐसा दिख रहा है आज। मतलब धुंध वगैरह थोड़ी बहुत पड़ी है क्योंकि ओले पड़े हैं ना, उसकी वजह से ये हो गया। और पहाड़ों पर मेरे को लगता है बर्फ़ भी पड़ी है थोड़ी बहुत, वो जो पीछे पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो ये है। तो गाइज़ अपन को लग गया ज़ुकाम, तो थोड़ा इग्नोर करना इसको। ये गाइज़ मैंने कई ब्लॉग की शूटिंग वहाँ से स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग वहीं से की है। और ये कुछ ऐसा है व्यू, मतलब आज तो पूरा पूरा क्लीन दिखाई दे रहा है स्काई, मतलब पूरा ब्लू ब्लू है। और वहाँ से आ रही है धूप और यहाँ देखो हवाएँ फिर से स्टार्ट हो गई। मतलब ये अभी ठंडी हवा आ रही है वो ओलों की। अपने चाय पी ली है और अब हमें होना है कॉलेज के लिए रेडी। मतलब कॉलेज भी 9 बजे तक चला जाता हूँ मैं, और आज घर पे कोई नहीं था तो इसीलिए मैं उठा ही लेट। और अब कोई 8:30 बजे तक, और खुद ही चाय बनाई और पी रहा था, बाकी सबको भी लाई। और बस भाई आज मैं और दादी थे घर और चाचू थे। बस अपन अब करता है कॉलेज की तैयारी। ठंड बढ़ी है गाइस, नहाऊँगा तो बिल्कुल भी आज नहीं ही, मतलब मैं शाम का नहाया हूँ अभी। तो गाइस अपन हो गया रेडी और घर से निकल भी गए क्योंकि लेट हो रहा है। 9 बजे निकलना होता है और पता ही नहीं चलता 8 के बाद 9 कब ही बज जाते हैं। अभी 9:15 हो चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। मतलब गाड़ी जाएगी 9:30 तक, मतलब 9:30 बजे 15 मिनट हैं, पर घर से थोड़ा नीचे भी रास्ता है तो उसमें इतना टाइम लग जाएगा, 10-15 मिनट तो हमारा टाइम क्लियर हो जाएगा। पर उनको जल्दी जाना होता है गाड़ी में, नहीं तो सीट नहीं मिलती, खड़े होकर जाना पड़ता है धूमपुर तक। तो फिर बैंड बजाती है टांगों की धूमपुर पहुंचने तक। तो यहाँ पे धूप भी मस्त वाली आ चुकी है, मैंने स्वेटर नहीं पहना क्योंकि इनरवियर डाली है तो इतनी भी ठंड नहीं हुई है कि वो क्या बोलते हैं उसको स्वेटर वगैरह पहना जाए, फिर बहुत गर्मी लगती है सिटी में। सिटी में तो ठंड भी है ही नहीं, यहाँ पे हाँ हवाएं वगैरह चल रही हैं, देख ही सकते हो पीछे पेड़ कितने हिल रहे हैं। मैं अभी बैक कैमरा करके दिखाऊंगा तो आप देखना कितनी हवा चल रही है यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी बढ़िया वाली धूप आ रखी है यहाँ पे, धूप भी लग चुकी है और मतलब साउंड से है सो नहीं सकते हो कि हवा कैसी चल रही है। मतलब बहुत भयानक वाली नहीं चल रही, पर जो चल रही है ना वो बड़ी ज़्यादा ठंडी है अभी। तो अभी मैं थोड़ा नीचे उतरूँगा तो ये कम हो जाएगी और गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब धूप गर्म हो जाएगी। तो अब तो बहुत ये चल रही है कुछ ऐसे वाली हवा। साउंड सुनो क्या मस्त साउंड आ रही है हवा की भी। हाँ कन्या ब्रो बोलो क्या चल रहा है यहाँ पे आज। भाई तू भी मेरे ब्लॉग में आएगा ठीक है, ब्लॉग में आएगा, ब्लॉग में आएगा आएगा। तो गाइज अपन है अभी क्लास में, अंडरस्टैंडिंग की क्लास लगने वाली है, टीचर आने वाला है बाहर से, तो अपन देखता है क्या होता है अभी। देखो इस बंदे को जो आया तो क्लास कॉलेज में बैठा है क्लास के लिए और देख क्या रहा था अपने दुकान का वो CCTV। भाई साहब अति प्रो बंदा है। कंडक्टर तो हे गाइस अपन आ गया कॉलेज से वापस घर पे, मतलब घर पे नहीं आज धूमपुर में ही हूँ, दीदी के घर आया हूँ। यहाँ पे इनकी बेटी का बर्थडे तो रात को वही सेलिब्रेट करना था तो बुला ली थी तो आ गया। तो बाकी गाइस अभी करी थोड़ी बहुत डेकोरेशन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सिर्फ यहाँ पे बैठा था तो बोला कि सोचा कि वीडियो बना लेता, तो वीडियो भी कंटिन्यू करता हूँ अपनी। और गाइस इन्होंने बड़ा छोड़ डाला है तो उसको इग्नोर करना। गाइस ये है कुछ डेकोरेशन यहाँ की, ये हमने करी अभी, ये बलून वगैरह लगाए और देखो यार इन्होंने लाइटिंग की है मस्त वाली, ये ऊपर से बड़ा वाला बलून और ये कुछ ऐसी करिए, मतलब बलून ही लगाए हैं और कुछ ज़्यादा नहीं, यही डेकोरेशन करिए। इसी को करके अभी बैठे थे तो सोचा कि वीडियो भी कंटिन्यू करूँ। Thank you.
Thank you.